प्रभु से मिलन का प्रयास। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय स्तवन स्पर्श पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। और आज इस वीडियो में जो स्तवन लेके मैं आया हूँ उसका नाम है नेम रस। आप सभी को पता ही है कि नेम रस जो स्तवन है वो पारस भाई ने गाया हुआ है, और उसका जो संगीत का संचालन किया हुआ है वो हार्दिक भाई ने किया है। बहुत अच्छा कंपोजिशन है। तो आइए, ये जो स्तवन है ये हमारे बांसुरी के ऊपर किस तरह से बजेगा, आज ये वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो फ्लूट का मैंने ये स्वर लिया है ये काली दो का है, यानी डी शार्प है। और इसके जो नोटेशन मैंने निकाले हैं, जो स्वर निकाले वो एकदम सीधे सीधे निकाले हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का गम, किसी प्रकार की मींड या फिर कुछ ऐसा लिया हुआ नहीं है, ताकि आपको बजाने में भी आसानी हो। तो आइए दोस्तों, देवगुरु की कृपा से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा जो स्तवन है उसका मैं लाइन आपको पहले, उसके जो गीत है वो गीत मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वो जो गीत पर जो स्वर आए हैं, जो नोटेशन है, फिर वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको बजा के बताऊंगा, ताकि आप साथ साथ में उसका प्रैक्टिस भी आपका कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेम रस। अभी नेम रस में सबसे पहला जो लाइन है, पहला लाइन है संसार थी विरति रत्नो। अभी इसका जो नोटेशन आएगा सारे ग रे ग ग प ग रे ग। सेकंड लाइन गिरनार थी मुक्ति पथ नो सारे ग रे ग ध प ग रे ग। तीसरा लाइन आता है सत्वार छे एक मारो, इसका नोटेशन ग म म ध ध ध ध नि ध प म प। आधार छे एक बस प प रे रे प म ग। नेम 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 रस। अभी नेम 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 तीन बार है, तो हमको यहाँ पे उसको वैसे तीन बार रिपीट करना पड़ेगा। सॉरी, नेम 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 रस। अभी सा पगरे हो धसारे। नेम 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 रस म ग म ग म ग रे नि सा।
अब ये दो लाइन रिपीट किया हुआ है कैसे, नेम 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 रस हो, नेम 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 रस, बराबर। तो ये आप इसमें ऐसे बजा सकते हो। इस तरह से हमारा स्थाई का जो नोटेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अभी अंतरे की तरफ बढ़ते हैं। अंतरे में जो भी स्वर है उसकी अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले जैसा ही, जैसे हम लोगों ने स्थाई में बजाया, स्थाई में हम लोगों ने जो जो स्वर है हर एक शब्द के ऊपर, और यहाँ पे जो जो स्वर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे गांधार का है, ऋषभ का है, मध्यम का है, आपको तो सब, आप बांसुरी बजाते हो तो आपको तो पता ही है। तो उस तरह से हमने इसके ऊपर भी प्रैक्टिस किया है। आइए अंतरे की तरफ बढ़ते हैं। अभी अंतरे का पहला लाइन जो है, नेम तो मारो प्रेम छे, इसका नोटेशन आएगा सा नी सा सारे नी ध प। अभी ये जो नी ध प, ये जो नी ध प के जो स्वर है ये मंद्र सप्तक में बजेंगे। मैं आपको यहाँ पे बजा के बताऊंगा, आपको ख्याल आ जाएगा, बराबर। तो नोटेशन क्या आएगा, नेम तू मारो प्रेम छे, सा नी सा सारे नी ध प। सप्युतने आजीवन गमा गमा गरे पा, जोई तने पहली क्षणे धनी सा नी सा सारे नी ध प। मोहायु छे मारु मन मग मग रे ध प। नेक्स्ट लाइन, गिर नारी ब्रह्मचारी गरे सॉरी आप गरे साध गरे साध, जाऊं तुझ पर हूं ओवारी, निसा रे धनी सा सा। वेश धारी गरे साध गरे साध, राजी मती बनू तारी, निसा रे धनी सा सा।
भवतार तू रहे जे मारो ग म ध ध ध नि ध प म प। अभी यहाँ पर है ना तीव्र मध्यम का एक यूज किया हुआ है, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भव भवनी छेतरस प प परे रे पमग। फिर वापस हमारा जो स्थाई का जो नेम 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 रस हो नेम 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 रस, जो पहले का जो स्थाई का नोटेशन है वही आप इसके ऊपर बजा के कर सकते हो। दोबारा यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, सीधा मैं बजा के ही बताता हूँ। इस तरह से हमारा अंतरे का भी जो नोटेशन है, अंतरे का अंतरा भी किस तरह से फ्लूट के ऊपर बजेगा सुरों के साथ में, यहाँ पे मैंने आप लोगों से चर्चा की है। अभी इसको देख देख के आपको हर एक लाइन हर एक स्वर को देख देख के आप आपके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस स्तवन ये स्तवन आप फ्लूट में इसको बजा सकते हो। अभी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका प्रैक्टिस करते हो। तो आइए अभी यही स्तवन रिदम के साथ में, मतलब ताल के साथ में किस तरह से बजेगा ये मैं आपको थोड़ा बजा के बताता हूँ, ताकि आपका भी एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में आपको भी ताल के साथ में बजाना है, तो ताल के साथ में भी इसका मज़ा जो है वो भी मज़ा वो भी आनंद हमको लेना है। तो आइए ताल के साथ में बजा के बताता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।